हेलो बच्चा पाटे, वेलकम टू रेगुलर वाणी यूट्यूब चैनल। तो बच्चा आज तुम्हारे बीच जो ये जो चैप्टर 9 चल रहा था ना बच्चा, त्रिकोणमिति का क्लास 10th का जो चैप्टर 9 चल रहा था, इसका क्वेश्चन नंबर 14 और 16, मतलब 14 से लेकर 16 तक, 14, 15 और 16 का डिटेल पोस्टमार्टम इस वीडियो में तेरे को मिलेगा। ठीक है, तो बढ़िया से बैठ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 14 का मैं चित्र पहले से बना के रखा हूं, इसलिए ताकि समय थोड़ा कम लगे चित्र बनाने में। ठीक है, मैं तुमको बताता हूं चित्र बना कैसे। देखो कह रहा है क्या, किताब रखना तुम्हारा अपने पास। देखो क्या कह रहा है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, ये जो दिख रहा है ना 1.2 मीटर, ये सीढ़ी जो है ये लड़की है जिसकी लंबाई क्या है 1.2 मीटर। लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखिए ये क्षैतिज रेखा है जिसकी ऊंचाई कितना है 88.2 मीटर। ठीक है, तो ये क्या देखती है लड़की जब यहां खड़ा है, तो यहां से देखती है ना, तो गुब्बारा जो पहले यहां उड़ रहा था, मतलब अभी यहां उड़ रहा है, ये यहां पे खड़ी है, यहां से क्या देखती है गुब्बारा यहां उड़ रहा है जो जमीन से कितना ऊंचा पे है 88.2 मीटर पे। ठीक है, कितना डिग्री पे, उन्नयन कोण पे दिखता है बच्चा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पे दिखता है। लेकिन कुछ समय के बाद ये जो लड़की है वो क्या देखती है कि गुब्बारा जो यहां उड़ रहा था ना डी पे, वो डी पे अब नहीं उड़ रहा है, कहां पे चला गया वो ए पे। लेकिन इस बार वो कितना डिग्री के उन्नयन कोण पे देख रही है, तो इस बार देख रही है 30 डिग्री के उन्नयन कोण पे। ठीक है, अब ये गुब्बारा की ऊंचाई कितना है, अभी भी ऊंचाई उतना ही है 88.2 मीटर। समझ में आया बच्चा? हाँ, तो कह रहा है क्वेश्चन का कि तुम्हारा जो गुब्बारा यहां था, यहां डी पर, और आ गया कहां पे ए पर, तो डी से ए तक कितना दूरी तय किया, यही तुमको निकालना है ना, यही पूछ रहा है। हाँ, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जानते हैं, बहुत सिंपल। ठीक है बच्चा, समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन वेरी सिंपल है, चलो इसका पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं कैसे निकलता है। तो पहले तो मान लेते हैं, मान लिया सीडी लड़की है तथा डी एवं ए गुब्बारा के कर्मशः स्थिति है, स्थिति है मतलब उसकी पोजीशन है। ठीक है, जगह है, समझ रहा बच्चा? मान लिया सीढ़ी हमारी क्या है, ये हमारा 1.2 मीटर लंबा एक लड़की है जो क्या देखती है गुब्बारा को, कहां पे डी पर, लेकिन 30 डिग्री के कोण पे जब देखती है तो वही डी पे जो गुब्बारा था वो अब डी पे नहीं रहते, वो कहां पे चला जाता है बच्चा, ए पे चला जाता है। तो ए जो ई और एफ जो है ना, देखो गुब्बारा तो इतना ही दूरी तय किया ना, ए वाला दूरी, तो ये वाला दूरी आपसे गुब्बारा पूछ, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ कितना दूरी तय किया। तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना में क्या है बच्चा, कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ई एफ बताओ कितना हो। बड़ा सिंपल है बच्चा, ऐसे निकाल के बताते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, अब इसका हल देखो। तो हल कैसे निकलेगा, तो आप चित्र को अच्छे से देखना बच्चा। ठीक है, चित्र को अच्छे से देखना, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं चित्र से। चित्र में तुमको दिख रहा होगा क्या, ए एफ हमें निकालना है। ठीक है, पूरा ए भी दे रखा है कितना 88.2, हमें ए एफ चाहिए। उसको निकालने से पहले ये जो सी डी है बच्चा, जो कि 1.2 है, क्या सी डी जितना होगा वही उतना ही एफ भी नहीं होगा, होगा ना? हाँ होगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि सी डी और एफ भी, ये दोनों बच्चे बेटे क्या होगा, बराबर होगा, सी डी और एफ भी दोनों बराबर होगा, और दोनों कितना होगा 1.2 मीटर होगा। सही बात है, कहां से लिख रहे हैं, चित्र से लिख रहे हैं। तो ए वाला भी 1.2, ए वाला भी 1.2, हमें चाहिए क्या ए एफ, तो इसीलिए ए एफ निकालो। तो ए एफ बराबर क्या होगा बच्चा, देखो ए एफ चाहिए ए वाला, तो क्या करें पूरा में अगर एफ भी घटा दे तो शायद काम बन जाएगा क्या, हाँ लग रहा है ना, तो वही करेंगे ए बी में बच्चा, क्या करेंगे एफ बी को घटाएंगे, तो ए बी टोटल कितना है बच्चा 88.2 में घटाएंगे क्या एफ, सॉरी एफ बी कितना है देखो 1.2, तो तुम्हारा आएगा बच्चा 87 मीटर। तो हमारा निकल गया क्या एफ, जो दिख रहा होगा शायद तुम्हें 87 मीटर आ गया यहां से।
अब तो कोई टेंशन नहीं है ना, ए एफ 87 आ गया, इसके मतलब समझ लो कि डीई भी 87 ही होगा, है ना, क्योंकि बी से इस गुब्बारे की ऊंचाई और ये जो जमीन है, जमीन जमीन के इस बिंदु से इस गुब्बारे की ऊंचाई क्या बराबर है, तो यहां से यहां की ऊंचाई अगर 87 आया बच्चा, तो ई डी का भी ऊंचाई हमारा कितना आना है, 87 ही आना है, ठीक है। तो चलो देखो, पहले हम लोग काम किसके लिए करते हैं, त्रिभुज डी ई सी के लिए काम करते हैं, लेकिन काम करने से पहले हम लिखते हैं। तो ए एफ हमारा कितना आ गया, 87, तो क्या तुम इसीलिए बोल सकते हो क्या, इसीलिए कि डी ई बच्चा क्या होगा हमारा, डी ई भी होगा हमारा 87 मीटर होगा ना, एकदम होगा, है ना, क्योंकि हमारा डी से भूमि की दूरी, भूमि से डी की ऊंचाई और भूमि से ए की ऊंचाई, दोनों ऊंचाई क्या है, गुब्बारे का बराबर। तो अब हम लोग काम करते हैं, अब त्रिभुज त्रिभुज डी ई सी में, डी ई सी में क्या लगाओगे आप, देखो डी ई सी में कौन सा त्रिभुज आएगा, कौन सा मतलब कौन आएगा, ये वाला आएगा बड़ा वाला 60 डिग्री का, है ना, तो लगा दो टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, टेन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर पी बटे बी होता है बच्चे, बटे लंब बटे आधार, है ना, लंब को पी और आधार को बी से लिखते हैं, तुमको अच्छे से पता है। तो इस कोण के लिए बच्चा क्या होगा, लंब डी और आधार क्या होगा बच्चा सी, बहुत बढ़िया। तो टेन 60 डिग्री का मान तुमको पता है रूट 3 होता है, डी का मान कितना है बच्चा, तुमको यहां से लिखा है 87 और सी तो हमें निकालना ही है, अब कर दो तुम क्या कोना कोनी गुना, तो सी गुना रूट 3 बराबर 87 बराबर करेंगे तो 87 ही आएगा, इस प्रकार हमारा सी जो आएगा वो 87 बटे रूट 3 आएगा, आएगा ना, लेकिन हमको पता है ना कि कभी भी हर में अपरिमेय संख्या नहीं लाते हैं ना, नहीं लिखते हैं, तो आप क्या करोगे, सिंपल हर को परिमेयकरण कर दो, तो रूट 3 से आपने गुना करना है, इस प्रकार तुम्हारा 87 रूट 3 बटे आएगा रूट 3 गुना रूट 3 3, और इसको कटाओगे तो शायद कट जाना चाहिए, 3 दूनी 6 3 नवा 27 और ये आया 29 रूट 3 मीटर। तो बच्चा पट्टी क्या तुमको पकड़ में आया, सी हमारा आ गया ना, सी हमें चाहिए क्या बच्चों, ई एफ चाहिए ना, ई एफ चाहिए, सी आ गया ना तो आ जाएगा, ये क्या समझ में आया, अगर अगर आया तो कमेंट में धमाल मचा दो भैया आ गया, है ना, आया तो मचा दो यार कमेंट, चलो आओ निकालते हैं मेरे वाले। अब किसके लिए काम करोगे, देखो दो दो त्रिभुज दिख रहा था तुमको, एक डी ई सी और एक ए एफ सी, तो डी ई सी में अपन काम कर चुके हैं, तो क्या बचा रहे, एक ही वजह ना ए एफ सी, तो आ जाओ आ जाओ त्रिभुज ए एफ सी में, देखो क्या लगाओगे इस बार, टेन 30 डिग्री, छोटा कोण की बात करेंगे अपन, ठीक है, तो लगाते हैं टेन 30 डिग्री अगेन लंब बटे आधार पी बटे बी, तो इसके लिए बच्चों क्या होगा, इसके लिए होगा हमारा ए एफ, लंब हो जाएगा क्या ए एफ और आधार बच्चा आधार इस बार होगा सी एफ, सही है ना, सी एफ, तो टेन 30 डिग्री बराबर ए एफ, इसको लिख दो 87 और सी एफ को तुमको लिखना है, ठीक है, देखो सी एफ को तुम क्या लिख सकते हो बच्चों, सी प्लस ई एफ लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, फिर से देखो सी एफ को ये पूरा दूरी को क्या लिख सकते हो, इतना दूरी प्लस इतना दूरी लिख सकते हो यार, तो लिख देते हैं, तो क्या मैं लिखू इसको, सीई प्लस ई एफ कहां से, चित्र से, क्या बच्चा समझ में आया, लिख दिए ना, हाँ चित्र से लिख दिए। अब तुम देखो टेन टी डी के मान तुम बैठा ही दो, क्या रहता है 1/√3 बराबर 87, नीचे क्या है सीई प्लस सीई का मान तो हमें पता है 29√3 है ना, तो इसका मान बैठा दो यहाँ पे 29√3 प्लस क्या है ई एफ, समझ रहे हो ना, जिसका मान पता है उसका मान बैठा दो, तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या होगा बच्चा 1/√3 लिख दिए। अब आ जाओ थोड़ा कोई गुना करो
इतना को वन से गुणा करोगे क्या आना है, इतना ही आना है, और इतना को इतना से गुणा करेगा तो 87 रूट थ्री आएगा। इस प्रकार तुम्हारा ई एफ कितना आएगा, 87 रूट थ्री माइनस 29 रूट थ्री, तो घटाओ 17 में 9 गया कितना बचेगा 8, 7 में 2 गया कितना बचेगा 5 रूट थ्री मीटर। और यही निकालना था बच्चा, देख लो आंसर किताब है ना, देख लो आंसर आ गया होगा। तो समझ में आया, गुब्बारे द्वारा बिंदु डी से बिंदु ए तक तय की गई दूरी कितना आया, 58 रूट 3 मीटर। अतः लिख लो, अतः गुब्बारे द्वारा बिंदु कहां से, डी से बिंदु ए तक जाने में तय की गई दूरी बच्चों कितना आया, 58 रूट 3 मीटर। पकड़ में आया ना, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ आ चुके हैं, देख लो क्वेश्चन 15 का मैं चित्र बना दिया हूं। मैं चित्र पहले क्यों बना रहा हूं, इसलिए ताकि टाइम थोड़ा कम लगे चित्र बनाने में, है ना, ताकि तुम्हारा वीडियो जो है बड़ी लंबा नहीं बन जाए, छोटा बने इसके लिए। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाल तक जाता है। ये राजमार्ग, राजमार्ग मतलब रास्ता, राज मतलब जो तुम्हारे शहर है, या फिर जो अगर तुम गांव में रहते हो तो गांव समझ लो, शहर है तो शहर समझ लो, शहर की ओर जो रास्ता जाती है उसको राजमार्ग कहता है, ठीक है। तो ये रास्ता है, राजमार्ग है, ठीक है। कहां पे जाती है, मीनार के पाद तक जाती है। ये मीनार है, ये भी तुम्हारा क्या है, मीनार है, इसके पाद बिंदु भी है। तो ये रास्ता देखो सीधा कहां गई, मीनार के पाद तक है। बहुत बढ़िया। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। देखो यहां पे कार आया है, ठीक है, यहां पे कोई लड़का खड़ा है, ये कार को देख रहा है कहां पे, यहां पे सी पे, कितना डिग्री के अवनमन कोण पे बच्चा, 30 डिग्री के अवनमन कोण। लेकिन वो जो कार का जो स्पीड है ना बच्चा, वो क्या है, एक समान है, एक समान समझ, तो ना बढ़ रहा ना घट रहा, एक समान चाल से जा रहा। यही बच्चा जो यहां खड़ा है वो 6 सेकंड के बाद क्या देखता है कि कार जो था वो सी पे नहीं, अब कहां पे आ गया, डी पे आ गया, मान लो, ठीक है, डी पे आ गया। और वो जब देखता है कार को तो कितने डिग्री के अवनमन कोण पे देखता है, 60 डिग्री के अवनमन कोण पे देखता है। समझ में आया, तो कह रहा है इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार द्वारा तय की गई समय ज्ञात करो। कोई बात नहीं, ज्ञात कौन सा बिंदु से, अभी कार कहां पे, डी पे, कार जा किधर रही है, मीनार की तरफ। तो कह रहा है डी से बी तक जाने में कार कितना दूरी तय किया, मतलब कितना समय लगा कार को, ये बता दीजिए, बता देते हैं। तो मान लिया ए बी मीनार है तथा सी एवं डी कर्मशः कार की क्या है, स्थिति है, स्थिति समझ लो, पोजिशन है। तो आप देखो यहां पर 30 डिग्री पे देखता है, ये वाला 30 डिग्री है, ये वाला क्या होगा बच्चा 30, और यहां से ये 60 डिग्री दिखता है, इधर कितना होगा तुम्हारा 60, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये अगर मीनार है तो 90 डिग्री के कोण पे होगा, है ना। तो कह रहा है क्या कि डी से बी तक जाने में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। बहुत बढ़िया, याद कर लेते हैं, पहले मान लेते हैं, मान लिया कार द्वारा डी से बी तक पहुंचने में लगा समय बराबर 30 सेकेंड, सेकेंड है, ठीक है। तो डी से बी तक जो कार जा रही है बच्चों, उसको समय कितना लगा, 30 सेकेंड लगा, ठीक है। तथा कार के चाल, कार के एक समान चाल एक्स मीटर प्रति सेकेंड मान लिया, ठीक है। तो इतना कुछ माने हैं, ये तो हम मान लिया, ए बी मीनार है और सी डी क्या है, कार की पोजीशन है, स्थिति है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, डी से बी तक जाने में कार को कितना लगा, कितना समय लगा बच्चा, 30 सेकेंड लगा, साथ ही साथ
कार का जो एक समान चाल है ना उसको अपन एक्स मीटर पर सेकंड मान लिया। ठीक है, तुमको वाई मानना है मान लेना, जेड मानना है मान लेना, जो मानना है मान लेना। मैं अभी फिलहाल एक्स मान रहा हूं। ज्ञात करना है बच्चों, देखो क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, डी से बी तक जाने में लगा समय बताइए। ठीक है बच्चों, डी से बी तक जाने में कितना समय लगा ऐसे बताना है। ठीक है, आ जाओ हल बता दोगे क्या, बोलो ना, आई थिंक बता तो देना चाहिए तुमको। तो पहले अगर काम किसके लिए कर रहे हो बच्चों, देखो यहां पे पहले जो काम कर रहे हैं ना किसके लिए करना है, चलो पहले काम कर लेते हैं ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में दिखा गया, ए बी डी कौन है, ए बी डी, इसमें काम कर लेते हैं पहले छोटा वाला त्रिभुज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो टेन 60 डिग्री बराबर पी बटे बी, मैं देखो बार बार पी बटे बी इसलिए लिखता हूं ताकि तेरा भेजा में चले जाए कि त्रिकोणमिति का जो अनुपात होता है ना वो क्या होता है ना, इसलिए बार बार लिखता हूं। अगर तेरे को याद है ना 100% तो लिखने की कदापि भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लिख दोगे तो कोई हर्जा भी नहीं है, है ना, घाटा भी नहीं लगेगा, तो लिख देना बस। तो पी क्या है, इसके लिए पी क्या होगा, ए बी, और बी क्या होगा बच्चों, डी बी। ठीक है, ए बी हमारा पी है और डी बी हमारा क्या है, बी है, सही है। चलो आ जाओ देखो, अभी टेन 60 डिग्री मान कितना है, होता है रूट थ्री बराबर ए बी बटे डी बी। तो क्या डी बी तुमको पता है, नहीं पता है, डी बी पता है, नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, पता नहीं है तो पता कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे पता करोगे, डी बी क्या है बच्चा, दूरी है, क्या बोलता है, दूरी है ना। हाँ, तुमको एक बात पता होगा, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये बात पता है ना, बोलना पता है ना, कमेंट में लिख के बता रहे, पता होगा। तो चाल बराबर दूरी बटे के समय है बच्चों, तो दूरी बराबर क्या होगा, गुणा को लेकर गुणा करोगे तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय, क्या कहते हो, सही बोल रहे ना, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। और तुमको पता है ना यहां से यहां जाने के लिए गाड़ी का चाल तो एक समान है ना भाई, तो गाड़ी का चाल तो एक्स रहेगा, क्या बोलते हो, एक्स रहेगा ना, गाड़ी का चाल जो एक समान चाल है, एक्स तो बदलेगा थोड़ी, एक समान है तो एक समान ही रहेगा। और डी से बी तक जाने में समय कितना बोला अपन, लिया 30 सेकंड, इसका मतलब समझा गया, इसका मतलब डीबी जो होगा, डीबी वो कितना आएगा बच्चों, वो आ जाएगा हमारा रूट थ्री बराबर, ये भी तो ए बी ही रहेगा, और डीबी क्या है, चूंकि दूरी है, डीबी चूंकि दूरी है इसीलिए दूरी कितना आएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय होगा, समय कितना है एक्स, सॉरी चाल कितना है एक्स देख लो, और समय कितना माने है डी से बी तक जाने में, टी सेकेंड माने है ना, तो यहां पे लिख दो टी। इस प्रकार तुम्हारा और कर दो गुणा को गुणा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट थ्री इंटू एक्स इंटू टी, ये हमारा आ गया ए बी का, इसको समय करिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। ये x इंटू टी क्या है बच्चा, ये आया डी से बी तक जाने में तय की गई दूरी, समझ आया भाई, डी से बी तक जाने में तय की गई दूरी कितना आया, x इंटू टी। अब ना मैं तुमको एक बात बता देता हूं, अब पहले मैं सीडी निकाल देता हूं उसके बाद मैं काम करता हूं, ठीक है, आगे इस त्रिभुज। तो देखो सीडी के लिए यहां पर लिख देता हूं, सीडी के लिए अगर तुमको मैं यहाँ पे जो डीबी निकाला इसको अगर देखने में मतलब समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा तो कोई बात नहीं, चिल रहो, मैं ये वाला निकालता हूँ, इसी तरह इसको भी तुम निकाल लेना अगर निकाल सकते हो तो, अदरवाइज तुम यही वाला लिखना 100% नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे तो सीडी के लिए, सीडी क्या दूरी है, तो लिखेगा चूंकि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, अभी दूर लिखे है कि नहीं, देख लो बच्चा वहां पे दूरी बराबर चाल गुना समय, इसीलिए दूरी बराबर क्या है सीडी, है ना, चाल क्या है बच्चा देखो एक्स, लेकिन तुमको पता है ना इस बार सी से डी तक जाने में कितना समय लगा था, 6 सेकंड, कितना लगा था 6 सेकंड, तो इस बार समय दिया है 6, तो इस प्रकार आपका सीडी निकल गया 6x, और चूंकि है सब मीटर में,
मीटर में तो मीटर ही रख लो, तो सीडी तुम्हारा निकल गया। ठीक है बच्चों, निकल गया। अब तुम देखो क्या, अब काम करते हैं हम लोग किसके लिए, त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज ए बी सी में क्या निकालने वाले हो, टेन, इस बार देख लो टेन 30 डिग्री बच्चा, तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, पी बटे बी तो जानते हो ना अनुपात, तो इसके लिए पी कौन है, ए बी, बोलो ए बी, और बच्चों बी कौन होगा, बी सी, सही है ना, बी सी। अब टेन 30 डिग्री का मान तुमको तो आता है भाई, 1/√3 होता है कि नहीं, ए बी तो चलो ए बी पता नहीं है तो ए बी को ए बी ही रहने दो, और बी सी को तो तुम चाहते हो लिखी दे कुछ, है ना, विश्वविद्यालय के बी डी प्लस बी सी, ऐसे नहीं बोले लिख सकते ना, तो बस वही लिख रहा है, बी सी को क्या लिख रहा है, बी डी प्लस सी डी। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, चूंकि टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, और क्या लिखा, और अच्छी तरह से क्या बोलते, चित्र से क्या लिखे, चित्र से ये बात लिख रहे हैं, ठीक है, और टेन 30 बराबर 1/√3 यहां पर लिखे, तो दोनों ही लिख दिए ताकि जो कॉपी चेक करें उनके दिमाग में अच्छे तरह से वो समझ पावे हमारा विचार क्या चल रहा है। ठीक है, आ जाओ ए बी को ए बी रहने दो, बी डी कितना निकाला था आपने, बी डी या डी बी कितना निकाला था, एक्स टी ना, देखो यहां पे एक्स टी है तो उसके जगह पे क्या रख देते हैं बच्चों, एक्स टी प्लस सी डी, सी डी हम लोग यहां पर निकाल रखा है देखो 6x, तो इसकी जगह पर बैठा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आगे। फिर क्या करो, कोणा को गुणा करो, ए बी गुणा √3 बराबर इसको इतना से गुणा करेगा बच्चा तो ये तो इतना ही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स टी प्लस 6x बटे √3 इधर आएगा तो यहां पे √3, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 को और 2 को बच्चा बार बार देखो, हजार बार देखो, देखने का चित्र देख लिया, चलो क्या कुछ मिला, इसको और इसको तुम देखोगे तो तुझे लगेगा यार ए बी ए बी है, ए बी ए बी है, तो दोनों ए बी है तो क्या करते हैं, ए बी ए बी बराबर होगा, और अगर किसी भी दो समीकरण का बायां पक्ष बराबर हो जाए तो दायां भी बराबर होता है, या फिर अगर दायां बराबर हो जाए तो बायां भी बराबर होता है, तो चूंकि यहां पर दायां बराबर है तो बायां क्या हो जाएगा, बराबर होगा, तो यहां पर क्या लिख सकते हो तुम, √3 x t बराबर इतना, अब ये दोनों में x है तो x को बाहर निकाल लेगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, तो यहां बचेगा x बाहर आ जाएगा, तो यहां बचेगा t और यहां बचेगा 6/√3, क्यों x निकाला बाहर, देखा कटाने के लिए, ठीक है, अब इसको क्या करो, कोणा करो, गुणा करो, तो √3 t है गुणा √3 बराबर t प्लस 6, अब √3 गुणा √3 क्या हो जाएगा 3, और t का t, ये t को इधर बराबर माइनस t हो जाएगा बराबर 6, इस प्रकार 2t बराबर कितना है बच्चों 6, इस प्रकार तुम्हारा t बराबर आएगा 6/2, जो कि कटाओगे तो 3 सेकेंड आएगा, कितना है बच्चा 3 सेकेंड, मतलब समझा गया, क्या माना था, t माना था ना, d से b तक जाने में कितना सेकेंड लगाना था, t सेकेंड, t का मान कितना है 3 सेकेंड, तो क्या तुम लिख सकते हो, अतः कार द्वारा डी से बी तक चलने में, मतलब जाने में या पहुंचने में लगा समय कितना है 3 सेकेंड, क्या लिख सकते हो, बोल दो, लिख सकते हो ना, तो मेरे पास जगह कमी पड़ गया है, तुम लिख देना मैं लिखवा रहा हूं, लिखो, अतः कार द्वारा बिंदु डी से बिंदु बी तक पहुंचने में लगा समय बराबर 3 सेकेंड, ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, तो बच्चे बड़े हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, देखो क्वेश्चन नंबर 16 का कहना है, इसका मैं अगेन चित्र बना रखा पहले से, कह रहा है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन पर पूरक होना है, देखो ये मीनार है तुम्हारा ए बी, ठीक है, एकदम बारीकी ढंग से सुनना, मैं किताब रख देता हूं, बारीकी ढंग से सुनना,
मीनार हमारा ये भी है। मीनार के पाद बिंदु कौन है बच्चों? ये बी। इससे एक 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है सी, और इसी पाद बिंदु से 9 मीटर की दूरी पर एक और बिंदु है, उसको मैं मान लिया डी। ठीक है, अब ये सी और ये जो डी है, ये मीनार के शीर्ष जो है उसके साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है बच्चों? पूरक कोण बना रहा है। क्या बना रहा है? पूरक कोण। तुमको पूरक कोण अच्छे से बताओ, पूरक कोण किसको बोलते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, है ना, दो कोणों लो जोड़ो 90 डिग्री आ जाए, पूरक कोण बोलता है। जैसे 30 60 को जोड़ेंगे तो 30 और 60 दोनों एक दूसरे का क्या है? पूरक कोण। अगर कुछ थीटा लेंगे तो थीटा का पूरक कोण क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, तो वही मैं ले आऊ। तो ये पूरक कोण है, तो पूरक कोण मैंने यहां थीटा और ये 90 डिग्री माइनस थीटा ले लिया। आप बोलोगे सर थीटा आपने यही क्यों लिया? क्या आपने रट्टा मार के आया है क्या? तो नहीं बच्चे, ऐसा बिल्कुल थीटा मैं इसको लिया, तेरे को मन करता है तो इसको थीटा ले लो। अगर ये थीटा लेगा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, या फिर मैंने ये थीटा लिया तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तुम करके देख लेना, आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, तो बस चलो दियो, देखो दिया क्या क्या। मान लिया कि ए बी मीनार है, मीनार है, मान लिया। अब क्या करना है? इसमें सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि जो मीनार का ऊंचाई होगा वो कितना मीटर होगा? कह रहा है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, समझ गए? तो मीनार की ऊंचाई तुमको करना है क्या? 6 मीटर। मीनार की ऊंचाई क्या है? देखो मीनार की ऊंचाई क्या है? ए बी है, और ए बी बराबर आपको लाना है बच्चों 6 मीटर। इसको सिद्ध करना है, ठीक है? क्या हो जाएगा बोल दो, होगा कि नहीं? हो जाएगा ना? अरे अपन कर देंगे यार। देखो यार इस बार मैं हल नहीं प्रमाण लिख रहा हूं, आप तो जानते हो ना स्टाइल लिखने का, जब सिद्ध करना होता है तो प्रमाण, जब हल करना होता है तो मतलब ज्ञात करना होता है तो आप ठीक है आ जाओ। क्या कर रहे हो तुम? अपन काम करेंगे एक बार त्रिभुज एबीसी के लिए और एक बार त्रिभुज एबीडी के लिए। अपना काम इतना छोटा सा काम करते ही अपने को आंसर मिल जाएगा, ठीक है? तो आ जाओ जल्दी जल्दी, त्रिभुज ए बी सी में देखना गौर से, टेन 90 माइनस थीटा। तो अगेन टेन 90 माइनस थीटा मतलब टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बटे बी। तो बबुआ इस कोण के लिए पी कोण होगा? ए बी होगा कि नहीं? और बी बच्चों बी सी, बस लिख दो। इस बार टेन 90 डिग्री माइनस थीटा का कुछ फॉर्मूला रखता है क्या आपने? नहीं ना, इस बार कहां से बता पाओगे? तो इस बार इसको ऐसे ही रहना, टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है, ठीक है? बिंदास आपका आंसर होने वाला। तो एबी को बच्चों एबी रहने दो, और तुम्हें बीसी बताया ना, देखो 4 मीटर है तो बीसी को 4 ले दो। अब तुम इतना तो कह नहीं सकता है कि कोना कोने गुणा करना, तो एबी को 1 से गुणा करेंगे तो एबी ही आएगा, और इतना को 4 से गुणा करेंगे तो 4 10 90 माइनस थीटा आएगा। इसमें तो तुमको दिक्कत होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्या लगता है दिक्कत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो रहा होगा। अब देखो त्रिभुज इस बार ए बी डी के लिए, ए बी डी में क्या करना है? इस बार टेन थीटा लगाना है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? ए बी, पहले लिख लो ना पी बटे बी, तो ए बी बटे बी डी, इस बार तो बी डी होगा, है ना? तो टेन थीटा ए बी को तो ए बी रख दो, और बी डी इस बार कितना दिया है? चलेगो 9, तो लियो 9। अब करो गुणा करने गुणा, तो ए बी गुणा 1 करोगे तो ए बी आना है, और 9 गुणा 10 थीटा करेगा तो 9 10 थीटा आना है। कोई दिक्कत तो नहीं? इसको समीकरण 2 मान लेते। अब तुम ना एक बात यहां पे खेल सकते हो कि सर यहां पे ए बी और ए बी बराबर है ना, इसका मतलब ये और ये बराबर हो जाना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल सही बोला, लेकिन उससे मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा भी तो ठुल्लू मिलेगा, समझ लो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस बार बराबर वाला कंसेप्ट नहीं लगाना, इस बार बराबर हमें ए बी चाहिए, ए बी को हटाना नहीं है, समझ लो। तो कैसे आएगा? तो बड़ा सिंपल है, गुणा कर दो फिर,
करते हैं समीकरण एक और दो को गुणा करने पर, लो बच्चा गुणा कर देते हैं। तो एक को गुणा कैसे करते हैं बता रहे तुमको, किसी भी दो समीकरण को यदि गुणा करना चाहते हो तो लेफ्ट एलएचएस को, पहला का एलएचएस को दूसरा के एलएचएस के साथ गुणा करना, और पहला समीकरण के आरएचएस को दूसरा समीकरण के आरएचएस के साथ गुणा करना। एलएचएस मतलब बायां पक्ष, आरएचएस मतलब दायां पक्ष, समझ गया। तो ये बायां को इस बायां के साथ, तो एबी को एबी के साथ गुणा करो, और इस दाया को कहां गया, ये दाया को इस दाया के साथ, तो 4 10 90 माइनस थीटा को गुणा करो किसके साथ, 9 10 थीटा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एबी गुणा एबी तो हो गया एबी का वर्ग स्क्वायर। अब 9 गुणा 4 करो, 4 गुणा 9 करो कितना होगा 36। और आपको पता होना चाहिए इसका एक फॉर्मूला हम लोगों ने रख रखा है, पढ़ रखा है, मतलब समझो क्या होता है 10 90 माइनस थीटा। तो आपको पता होना चाहिए कि होता है बच्चों कोट थीटा, क्या लगता है सही बोल रहा है कि नहीं, एकदम सही बोल रहा है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, ठीक है। अब मैं इसको ना थोड़ा सा सरिया के लिख रहा हूं, 36 गुना पहले 10 थीटा को लिख रहा हूं, उसके बाद में लिख रहा हूं कोट थीटा। अब तुम्हें कुछ चमका क्या बच्चा, बोल दो कुछ चमका होगा, चमका होगा ना, 10 थीटा इंटू कोट थीटा का अगेन वी हैव अ फॉर्मूला बच्चू, वी हैव अ फॉर्मूला फॉर 10 थीटा एंड कोट थीटा। अगर 10 थीटा और कोट थीटा गुना में रहे तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 है ना, 1। तो हम लोग इसके बारे में क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, इसको हटा के अपन 1 ठोस सकते हैं कि नहीं उसके जगह पे, तो मैंने 1 रख दिया, तो काम तो लग रहा है कि आसान हो गया सर। हाँ जी आसान ही तो करने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 36 का वर्गमूल जो कि 6 मीटर आएगा बच्चा। यहाँ पे देखो प्लस माइनस दोनों ले सकते थे, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों ले सकते थे लेकिन माइनस नहीं लिए, क्योंकि दूरी कभी भी, ए बी क्या, ए बी का ऊंचाई मतलब दूरी ही है ना, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है बच्चा, इसलिए डायरेक्ट में क्लास 6 लिया, ठीक है। तो 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 होता है ना, 36 को 6 गुना 6 लिख सकते हो, और ये जो है ना ये हल वाला, इसके अंदर दो एक ही संख्या गुना में रहे तो एक संख्या बाहर आ जाता है, ये तुमको बताने की जरूरत नहीं है। अतः मीनार की ऊंचाई बच्चों आ गया 6 मीटर, और तुम्हें यही करना था प्रूफ, जो कि हो गया हमारा। क्या लगता है मजा आया, आया कि नहीं जल्दी कमेंट में लिख के बताओ, आया तो आया, नहीं होगा ऐसा हो सकता है क्या, है ना। तो बच्चा उम्मीद करता हूं तुमको ये समझ में आया होगा, ये पूरा क्वेश्चन 16 से लेकर 18 तक का डिटेल पोस्टमार्टम था, देख लेना अच्छे से, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इस बार आपके त्रिकोणमिति से आ रहा है, ठीक है बच्चों। चलो बच्चा ये पूरा पोस्टमार्टम था क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 16 तक, ठीक है, ये चैप्टर का जो 14 से लेकर 16 तक 3 क्वेश्चन बचा हुआ था, 14 15 16, उसका पूरा डिटेल में पोस्टमार्टम कर दिया, तुमको मजा आ गया होगा, मजा आया तो रट के दबा के शेयर करो इस वीडियो को, ताकि जो और भी बच्चे हैं जो त्रिकोणमिति में जिसको डर लगता है वो त्रिकोणमिति पढ़ के, और जो एग्जाम में आए ना क्वेश्चन बवाल मचा के आए, ठीक है। तो चलिए बच्चा इसी तरह खोलते रहो, थोड़ा शेयर वेयर करते रहो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जहां भी हो 8-10 घंटा दबा के मेहनत करो, माँ बाप का नाम रोशन करो, माँ बाप को इज्जत करो, और क्या ही है मचाते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।